नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैंने अभी अभी एक अपनी वीडियो डाली है जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से सुशांत के जो गर्दन पर टेजर के मार्क्स हैं वो पहले वाली पिक्चर में जो लीक्ड है उनमें वो नहीं है, यानी कि वो वायर जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो नहीं है। और जब वही पिक्चर, जब वही बॉडी पोस्टमार्टम बेंच पर पहुंचती है तो वहां पर हमें क्लियरली वो मार्क, वो प्रोब अंदर दिखाई देता है और वो वायर दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे काफी काफी प्रोबेबिलिटीज, काफी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसा कि आप लोगों का अनुमान है, एक अनुमान लग रहा है कि जब उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था क्या प्रोब का, तब भी टेजर गन का यूज किया गया। नंबर एक प्रोबेबिलिटी। नंबर दूसरी प्रोबेबिलिटी है, जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुकी थी क्या उस समय टेजर का यूज किया गया। और नंबर तीसरी जो बहुत जरूरी प्रोबेबिलिटी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बाकी कोरोबोरेटिव एविडेंसेस से भी मैच हो सकती है, वो ये है कि सुशांत के साथ ये सब पहले ही हो चुका था एक दिन पहले। जैसा कि बताया जा रहा है उनकी बॉडी को वहां ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि दोस्तों ये टेजर का प्रोब निकालने के लिए सर्जिकल मेथड की जरूरत है। इसको कोई भी आम तौर पर आसानी से नहीं निकाल सकता, सर्जिकल मेथड से निकाला जाता है। तो क्या ये फोटोग्राफ जो पोस्टमार्टम बेंच वाली है वो पहले की है, जो पहले उनको ले जाया गया और वहां से प्रोब निकाला गया, उसके बाद दोबारा क्राइम सीन पर लाके क्राइम सीन को स्टेज किया गया, टांगा गया? क्योंकि हम ये डॉक्टर राजीव छाया जी से काफी बात कर चुके हैं और भी डॉक्टर से काफी बार पूछ चुके थे कि तकरीबन बॉडी को 16 से 18 घंटे हो चुके हैं वहां पर जिस समय की वो पिक्चर है। तो इस थ्योरी से तो मुझे ये ज्यादा लगता है दोस्तों कि वो टेजर के जो प्रोब है, जो वायर है, उसको पहले ले जाके डॉक्टर के द्वारा निकलवाया गया सर्जिकल मेथड से, और या किसी डॉक्टर ने उसको सर्जिकल मेथड से निकाला और फिर उस क्राइम सीन पर लाकर उसको स्टेज करके रखा गया और पूरा ये बनाया गया सीन। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।